फेमस यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार, 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर, अंदाज सबसे जुदा। रॉब किसी सुपरस्टार से कम नहीं, लेकिन ये सारा रॉब निकल गया और अब ये पहुंच गए हैं जेल। एल्विश बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता हैं, लेकिन आए दिन मारपीट के मामले में चर्चा बटोर लेते हैं। वो जहां से निकलते हैं, लंबा चौड़ा काफिला उनके पीछे हो लेता है। लेकिन इधर बहुत दिनों से फैंस का काफिला नहीं, बल्कि उनके पीछे पुलिस पड़ी है। यही है एल्विश यादव की असली पहचान, जिनका असली नाम है सिद्धार्थ यादव। यूट्यूब से ज्यादा विवादों के लिए जाने जाते हैं। ये साल एल्विश के लिए ठीक नहीं रहा। ये आए दिन किसी ना किसी मुसीबत को दावत देते हैं, लेकिन इस बार इनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई है कि इनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। जी हाँ, नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मामले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई सांप के जहर की तस्करी के मामले में की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से एल्विश यादव को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी, और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत रहेगी। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 थाने में रेव पार्टियों में सांप का जहर, जिसको कि स्नेक वेनोम भी कहते हैं, उसके सप्लाई करने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में नोएडा पुलिस ने जयपुर FSL को सैंपल भेजे थे। FSL रिपोर्ट में कोबरा करेत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया था। इस प्रजाति का सांप काफी खतरनाक होता है और इसके काटने से हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इसी सिलसिले में पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल BJP सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल यानी की PFA के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर 49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहा सांप और 1 रेड स्नेक शामिल थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एल्विश यादव की पार्टी में वो सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। ये पहली बार नहीं जब एल्विश पर कोई गंभीर आरोप लगे हो। एल्विश का विवादों से पुराना नाता है। हाल ही में एल्विश का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो यूट्यूबर मैक्सटर्न को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। मैक्सटर्न ने एल्विश पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। हालांकि 2 दिन बाद ही दोनों के बीच का विवाद सुलझ गया और एल्विश ने मैक्सटर्न के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान उनका अविनाश से जमकर झगड़ा हुआ था। यही नहीं, वो यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी भिड़ चुके हैं। एल्विश यूट्यूबर अरमान मल्लिक की पत्नियों पर भी कमेंट करने के मामले में भी विवादों में आ गए थे। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल हैं। उन्होंने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से वो फेमस होते चले गए। उनके यूट्यूब पर 1,45,00,000 सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव ब्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1,60,00,000 फॉलोअर्स हैं। फिलहाल एल्विश अभी जेल की हवा खा रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।